का पूरा आदर सम्मान किया। जिन्हें विरोधी पार्टी के लोग अभी तक भी आसानी से वहाँ बचा नहीं। स्टेट के भी हित में यह अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। पहले कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार 2-4 एमएलए बनाने की जंग नहीं लड़ रही है और इस बार वो सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए सरकार बनाने की जंग लड़ रही है और इसके लिए माननीय बहन जी ने भी पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ में हम सबको ज़्यादा समय दिया है और ताकि यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकें, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकें, मानव कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करें। और ये बहन जी काफ़ी जगह सीटों पर, ये भी मेन स्ट्रीम का मीडिया चला रहा है कि कुछ सीटों पर ही ये गठबंधन कारगर साबित होगा। देखिए गठबंधन की बात है, जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट चंबल संभाग में नहीं है और अगर आप अदरतन एरिया में जाएंगे सपोज दैट की दमोह एरिया जो हमारा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मंडला और सिवनी है, उधर जब उधर जाएंगे बालाघाट की तरफ जाएंगे तो उधर आदिवासियों का एक डेंस पॉपुलेशन रहती है और उधर वो बहुत ज़्यादा कारगर है और वहाँ से भी हम इस बार कई सारी सीटें जीत करके आने वाले हैं। उससे एक बड़ी ताकत बन के आ चुकी है और आप लोग तो पूरे साथ में रहे माने भाई जी के, सही मोस्टली आपने रिलीज को कवर भी किया है, आपने देखा भी है किस तरह से जनसमूह, अपार जनसमूह माने बहन जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए इकट्ठा हुआ है। जनसैलाब तो बसपा की रैली में उतरता है लेकिन क्या वो वोटर के अंदर में तब्दील हो पाएगा? उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार आश्चर्य पार्टी के जो पदाधिकारी से लेकर के जो हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है पिछले 5 सालों ने बड़ा मेहनत करी है और सारे लोगों ने, मैं अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि मैंने करिया तो कुछ किया, मेरी जो पार्टी की जो पूरी जो टीम है, पूरे प्रदेश की जो टीम है, चाहे किसी पद पे हो, चाहे वो प्रभारी रहा, चाहे जोन प्रभारी रहा, जिला प्रभारी रहा, जहाँ जिसको जिम्मेदारी मिली वो पूरी शिद्दत के साथ में काम किया है और कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर बसपा में आए हैं, इनका कितना परिणाम हो पाएगा इस विधानसभा चुनाव? निश्चित तौर से जिनको भी पार्टी में सम्मिलित कराया गया है वो एक व्यापक रूप से अपने बड़े जनाधार के लीडर हैं, जनाधार और बीएसपी जनाधार मिलकर के एक बड़ा परिणाम लेकर आने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की मुरैना के अंदर में आज रैली हुई, तमाम उन्होंने संबोधन किया। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम हमारे साथ में, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम 4 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव चल रहे। सर जिस तरीके से ये आखिरी रैली है, जो प्रतिसाद है, जो लोगों का मिल पा रहा है, क्या अनुमान है और क्या कुछ आप आंकड़े बता पाएंगे? आज मध्य प्रदेश की आखिरी रैली और कल के बाद परसों से 17 तारीख से राजस्थान की रैलियां शुरू हो जाएंगी। 8 रैलियां राजस्थान में होंगी और 2 रैलियां माने बहन जी की तेलंगाना में भी होंगी, लेकिन जो मध्य प्रदेश का जो आज का था कि कल लास्ट डे है चुनाव प्रचार का, कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो आज सारी रैलियां माने बहन जी की हो गई हैं। अब हम लोगों के जो बचे हुए जो काम है, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठगण हैं, हमारे जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, प्रदेश कमेटी है, प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने अपने जिलों को संभाल करके वहाँ पर रैलियाँ करना काम शुरू करेंगे। और रही बात जो आपने कहा ओवरऑल क्या है, ओवरऑल इस बार देखिए ये बीएसपी एक बड़ी ताकत बन के आ चुकी है और आप हम लोग तो पूरे साथ में रहे माने भाई जी के, सही मोस्टली आपने रिलीज को कवर भी किया है, आपने देखा भी है किस तरह से जनसमूह, अपार जनसमूह माने बहन जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए इकट्ठा हुआ है। और ये श्योरिटी इस बात की है कि इस बार बीएसपी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, बीएसपी को रोकना संभव है। जी सर, एक चीज देखी जाती है कि बड़ा जनसैलाब तो बसपा की रैली में उतरता है लेकिन क्या वो वोटर के अंदर में तब्दील हो पाएगा? उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार आश्चर्य 18 के जो भी परिस्थितियां थी उनसे बहुत ज्यादा भिन्न है इस बार परिस्थितियाँ और पार्टी के जो पदाधिकारी से लेकर के जो हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है पिछले 5 सालों ने बड़ा मेहनत करी है और सारे लोगों ने, मैं अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि मैंने करिया तो कुछ किया, मेरी जो पार्टी की जो पूरी जो टीम है, पूरे प्रदेश की जो टीम है, चाहे किसी पद पे हो, चाहे वो प्रभारी रहा, चाहे जोन प्रभारी रहा, जिला प्रभारी रहा, जहाँ जिसको जिम्मेदारी मिली वो पूरी शिद्दत के साथ में काम किया है और हर काम को किया, माने कि अगर संघर्ष करना है संघर्ष किया गया, अगर अत्याचार हुआ तो उनको न्याय दिलाने का भी संघर्ष किया गया, अगर किसी के साथ में अहित हो रहा तो बीएसपी उसको आवाज उठाने का भी काम किया गया। और यही नहीं,
अगर रोड से लेकर संसद तक की बात उठाने की बात आई हो तो पिछले 5 सालों के अंदर ये भी काम पूरे किए गए हैं। और आज जो आप अपार जनसमूह देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, तो ये कि पॉजिटिव वेव है, बीएसपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, बीएसपी के प्रति माननीय बहन जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उनके काम के प्रति विश्वास बढ़ा है, वही आज एक रिजल्ट के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है जी। तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर बसपा में आए हैं, इनका कितना परिणाम हो पाएगा इस विधानसभा चुनाव? निश्चित तौर से जिनको भी पार्टी में सम्मिलित कराया गया है वो एक व्यापक रूप से अपने बड़े जनाधार के लीडर हैं, और ऐसे लोगों को ज्वाइन करा करके उनके जनाधार को जो बहुजन समाज के साथ में उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है, उनका जनाधार और बीएसपी जनाधार मिलकर के एक बड़ा परिणाम लेकर आने वाले हैं। आने वाले इस पूरे परिणामों को लेकर एक बड़ी मजबूती के साथ में बसपा को देखा जा रहा है, लेकिन एक गठबंधन, जो गठबंधन मध्य प्रदेश के अंदर में हुआ, काफ़ी जगह सीटों पर, ये भी मेन स्ट्रीम का मीडिया चला रहा है कि कुछ सीटों पर ही ये गठबंधन कारगर साबित होगा। देखिए, गठबंधन की बात है, जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट चंबल संभाग में नहीं है, और अगर आप अदरतन एरिया में जाएंगे, सपोदट की दमोह एरिया जो हमारा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मंडला और सिवनी है, उधर जब घर जाएंगे, बालाघाट की तरफ जाएंगे, तो उधर आदिवासियों का एक डेंस पॉपुलेशन रहती है और उधर वो बहुत ज़्यादा कारगर है, और वहाँ से भी हम इस बार कई सारी सीटें जीत करके आने वाले हैं। और पहली बार ऐसा हुआ, पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसको एक सामाजिक प्लेटफॉर्म के रूप में माना जा रहा है, कि बहुजन समाज पार्टी का एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है SC ST का, और ये गठबंधन इसमें सक्सेस होगा बहुत बड़ी तादाद के अंदर, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है, उसके प्रभाव में मध्य प्रदेश में पड़ रहा है, और आने वाले समय में भी बहुत कुछ इफेक्ट डालने वाला है ये गठबंधन। एक समय में देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में बहन मायावती उतनी ज्यादा रैलियां नहीं करती थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर 8-9 से 10 रैलियां करने के पीछे का क्या कारण रहा? देखिए, मैंने पहले कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार 2-4 MLA बनाने की जंग नहीं लड़ रही है, और इस बार वो सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए, सरकार बनाने की जंग लड़ रही है, और इसके लिए माननीय बहन जी ने भी पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ में हम सबको ज़्यादा समय दिया है, और ताकि यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकें, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकें, मानव कांसीराम साहब के सपनों को पूरा करें, और ये बहन जी के सपनों को पूरा कर सकें, इसलिए माननीय बहन जी ने भी पूरा समय दिया। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है कि माननीय बहन जी जितना मेहनत करी है तो हम लोग भी माननीय बहन जी को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते ही हैं, उनको दे करके हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे जी। तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत के, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कि क्या कुछ मध्य प्रदेश के अंदर में होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम से हमने बातचीत की है कि आखिर 230 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश के अंदर में हैं, और जहां पर बसपा अपनी सरकार को बनाने की लगातार बात कर रही है, शुरुआती दौर से जब से इंजीनियर रामजी गौतम इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि 230 विधानसभा की सीटों पर, तमाम सीटों पर बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें तमाम बहन मायावती के माध्यम से जो जनसभाएं और जो संबोधन उनका हुआ है, इसे एक बड़ा परिणाम कहने के मध्य प्रदेश के अंदर में जरूर होगा। अब ये परिणाम, जब तक के नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, जब ये परिणाम देखने को मिलेंगे तब जाके ये तमाम जो तस्वीरें वो साफ होगी। पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, जरूर प्रतिक्रिया लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।